यह एक संयोग है कि आज एक दिव्य तिथि भी है। आज संध्या काल से गंगा सप्तमी की तिथि प्रारंभ हो रही है और गंगा रहस्य की कथा के अनुसार गंगा जी ने स्वयं जो बताया है कि काशी ही गंगा जी का देवी स्वरूप में निवास करने का स्थान है, उनका घर है। तो गंगा जी के घर में गंगा सप्तमी का जो उत्सव होता है वो ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी के निकल के शिव के जटाओं में अवस्थित होने का पर्व होता है। तो गंगा जी के उत्पत्ति का जो सबसे सुंदर सजीव एक उत्सव होना चाहिए वो इस धाम में होना चाहिए, इस मान्यता के साथ हम लोगों ने व्यवस्थाएं की थी। 3 दिन पहले से हमारे यहाँ बिल्कुल प्रकाश की सज्जा, फूलों की सज्जा ये हो रही थी और संयोग से उसी बीच हमें मैसेज मिला कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पूजा पाठ करने आ रहे हैं। तो एक सजा हुआ धाम, एक दिव्य धाम यहाँ उनके स्वागत के लिए प्रतीक्षारत मिलेगा। पूरे बनारस में बम बम है मोदी जी के रोड शो से। हर हर महादेव का नारा लगेगा, मोदी जी का रोड शो देखेंगे, मोदी जी के साथ जितने लोग हैं सबका स्वागत रहेगा बनारस में। अच्छी अच्छी चीजें जी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी हो रही है। प्रधानमंत्री तीसरी बार कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे इसी वाराणसी शहर से जी। आपका नाम भी कहा जा रहा है कि प्रस्तावक है, इसके बारे में क्या जानना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, प्रस्तावक में हम लोग का हर बार मोदी जी पूछते रहते हैं और खुद बैठ करके चाय पिए हैं यहाँ पर और बातचीत करते रहते हैं, हमेशा हाल चाल लेते रहते। पिताजी की तबीयत खराब रहता था, हाल चाल लेते रहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में हम लोग कभी देखे नहीं थे इतनी उम्र हो गई, और ऐसा कभी रोड शो हम लोग देखे थे। प्रधानमंत्री इस रोड से कब गुजर जाए किसी कुछ मालूम नहीं होता था। प्रधानमंत्री जी आपका हाल चाल लेते रहते हैं? हाँ हाँ, हर आदमी से हाल चाल लेते हैं, पूरे देश का हाल चाल लेते हैं। और आपका भी हाल चाल लेते? एकदम हाल चाल लेते हैं। यहाँ पर आकर चाय भी पिए? यहाँ आके बैठ के चाय पिए हैं, एक नहीं 3 चाय पिलाए हैं हम।